हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एपी और पीवी का रेशियो सही दे रखा है और जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये कि ए पॉइंट है हमारा 3, -5 और बी पॉइंट है -4, -8। ठीक है, एक ए पॉइंट हो गया 3, -5, बी पॉइंट हो गया -4, -8 और एपी और पीबी का जो रेशियो है वो के रेशियो 1 है। एपी और पीबी का जो रेशियो है वो के रेशियो 1 है। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दें पी के लिए तो कितना आएगा, के इंटू -4 यानी माइनस का 4k, 1 × 3 यानी प्लस का 3/k+1, के इंटू 8 ये 8k आ जाएगा, 1 × -5 यानी -5/k+1। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है जो कि इस लाइन पे लाई करता है, x+y = 0। तो x की वैल्यू पुट कर दो यानी माइनस का 4k+3/k+1 प्लस y की वैल्यू पुट कर दो यानी 8k-5/k+1 = 0। अब यहां से k निकाल लो, यहां से k निकाल लो जरा। ठीक है, तो अगर हम k+1 एलसीएम ले लें तो माइनस का 4k+3 प्लस का 8k-5 = 0। यहां से 4k आ गया और ये तुम्हारा माइनस का 2 आ गया और ये पूरा 0 हो गया। तो क्या के की वैल्यू 1/2 आएगी? क्या के 1/2 आया? क्या आपका आंसर के की वैल्यू बेटा 1/2 आ गई? क्या के 1/2 आ गया? क्या आपका आंसर आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो। डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।